बहुत बार विद्वान लोग कहते हैं जातिवादी बातें करते हैं कालवी साहब, मैं बहुत स्पष्ट हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं प्रदेश के हितों की बात भी करना जानता हूं, पर मैं बहुत स्पष्ट हूं, जो अपनी जात का नहीं है वो अपने बाप का नहीं है, जो अपने बाप का नहीं है वो अपने राष्ट्र का नहीं हो सकता कभी भी। ये आवाज सोमवार को हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये वो आवाज थी जिनकी एक आवाज पर राजपूत समाज के लाखों युवा कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते थे। ये आवाज थी करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवे की, जिनका सोमवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। अपने समाज के मुद्दों को लेकर कालवे पिछले डेढ़ दशक से काफी मुखर रहे। भड़काऊ मुद्दे उन तक चले आते थे या वो खुद ऐसे मुद्दों तक चले जाते थे। वो जोधा अकबर फिल्म के खिलाफ अभियान चलाकर सुर्खियों में आए थे, लेकिन फिल्म पद्मावत मुद्दे ने उनके सुर्खियों का फलक बड़ा कर दिया। लंबी कदकाठी और राजपूती लिबास के साथ जब वो सभा में आविर्भूत होते थे, बरबस ही लोगों का ध्यान उनकी ओर चला जाता था। वैसे तो उनकी शारीरिक बनावट उन्हें खास पहचान देती थी, लेकिन खुद भी वो अपने वजन और कद का उल्लेख करना नहीं भूलते थे। सभाओं और रैलियों में कालवे कहा करते थे, मैं 6 फुट 4 इंच 118 किलो का आपके सामने खड़ा हूँ। वो गांधी का जिक्र करते थे तो इतिहास के उन किरदारों का उल्लेख भी करते थे जिन्हें सुनकर राजपूत युवक जोश से भर जाते थे। वो कहते थे, हमने सर कटवाए हैं मालिक, खून से इतिहास लिखा है। कालवे अपनी सभाओं में राजपूताना शौर्य और बलिदान का बखान करते थे, और जब वो ऐसा करते थे तो उनके समर्थक भावों से भर जाते थे। वो अच्छे निशानेबाज थे, लेकिन अक्सर सियासी निशाना चूक जाते थे। करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवे अपनी जुबान से जज्बात और जुनून पैदा कर देते थे। अपनी शैली से कालवे ने बड़ा समर्थक वर्ग खड़ा कर लिया था, लेकिन उनके आलोचक भी रहे हैं। जब वो कहते थे कि मुझे रानी पद्मिनी की 37वीं पीढ़ी से होने का सौभाग्य प्राप्त है, जौहर की ज्वाला में बहुत कुछ जल जाएगा, रोक सको तो रोको, तो उनके समर्थक हुंकार भरने लगते थे। राजस्थान के नागौर जिले के कालवे गांव में जन्मे लोकेंद्र सिंह कालवे को ये सब विरासत में मिला था। उनके पिता कल्याण सिंह कालवे थोड़े थोड़े वक्त के लिए प्रदेश और केंद्र में मंत्री रहे थे। कल्याण सिंह कालवे चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रहे थे और वो चंद्रशेखर के भरोसेमंद साथी भी थे। इसलिए अपने पिता के असमय चले जाने के बाद लोकेंद्र सिंह कालवे को पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थकों ने हाथों हाथ लिया। वो अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़े। मेयो कॉलेज एजुकेशन के लिहाज से पूर्व राज परिवारों की पसंदीदा जगह रही। कालवे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आसानी से अपनी बात कहते थे। कम ही लोग जानते होंगे कि वो बास्केटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी थे। इस राजपूत नेता की नजर और हाथ शूटिंग के लिए बड़े मुफीद थे। कालवे को निशानेबाजी ने कुछ मेडल भी दिलवाए, लेकिन ये विडंबना ही है कि जब जब उन्होंने चुनाव लड़ा निशाना चूक गया। कालवे नागौर से लोकसभा के लिए चुनावी मैदान में उतरे और हार गए। फिर 1998 में कालवे ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में बाड़मेर से संसद में जाने की कोशिश की, पर शिकस्त मिली। वो किसी तरह का कोई भी नशा नहीं करते थे, बस उन्हें एक ही नशा था, अपने समाज की बेहतरी और उनके हक दिलाने का, राजपूताना इतिहास को सहेज कर रखने का। वो अपने समाज की बात सीना ठोक कर करते थे। ऐसे में उनके आलोचक कहते थे कि वो राजस्थान में जातिवाद को प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन इसका जवाब वो अपनी रैलियों में मंच से अपने ही स्टाइल में देते थे, तो मंच के सामने बैठी भीड़ उनके जवाब का समर्थन तालियों की गड़गड़ाहट से देती थी। कालवे कहते थे, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। कालवे हमेशा जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ रहे। साल 2003 में कालवे ने कुछ राजपूत नेताओं के साथ मिलकर सामाजिक न्याय मंच बनाया था और ऊंची जातियों के लिए आरक्षण की मुहिम शुरू की। तब वो प्राय मंचों पर कहते मिलते थे, उपेक्षित को आरक्षण, आरक्षित को संरक्षण। कालजयी कालवे के निधन पर TV9 डिजिटल की टीम की ओर से श्रद्धांजलि।